बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी, वेलकम टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस। आज है एडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 8। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इरेजर टूल को और बैकग्राउंड रिमूव टूल को और मैजिक बैकग्राउंड रिमूव टूल को। सो गाइस, विदाउट एनी डिले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो गाइज, यहाँ मेरे पास एक इमेज ओपन है और सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रश से हम कहीं भी कुछ भी हम पेंट कर देते हैं ताकि मैं आपको इरेजर टूल बता सकूं कि वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये देखें जी, ब्रश से मैंने यहाँ पे बहुत अजीब और गरीब किस्म का पेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम इरेजर टूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप डबल लाइन टूल बार यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर इरेजर टूल आएगा। इरेजर टूल की शॉर्टकट की है ई। या तो आप यहां से डायरेक्टली इरेजर टूल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ ई प्रेस करेंगे तो आपके पास इरेजर टूल आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम ई प्रेस करें या यहां से आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इरेजर टूल हमारे पास आ चुका है। इरेजर टूल भी हमारे पास एक ब्रश की तरह आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका जो ब्रश टूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रश टूल हमारे बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसमें ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, ठीक है। और इसी तरह हम इसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं जो हम अपने रेजर का रखना चाहते हैं, या जितने बैकग्राउंड का या जितने एरिया को हम रिमूव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका साइज़ रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसकी हार्डनेस रख सकते हैं। ब्रश को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस ब्रश से अपना जो है वो रेजर टूल यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज़ करते हैं और रेज करके देखते हैं कुछ, ठीक है। ये देखें जी, अब देखिए जी, सॉफ्ट राउंड ब्रश हमने यूज़ किया था तो इसीलिए वो हमारे जो अरेज कर रहा है वो सॉफ्टली अरेज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हार्ड ब्रश यूज़ करके देखते हैं जी, हार्ड ब्रश किस तरह से ये देखें जी। अब ये हार्ड यूज़ कर रहा है, अब ये हार्ड इसको अरेज कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ इसमें हम फ्लो और ओपेसिटी को हम देखते हैं कि फ्लो और ओपेसिटी इसमें किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। सबसे पहले ओपेसिटी को हम कम कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी देखें जी, अब ये कम जो है वो इरेज कर रहा है हमारा बैकग्राउंड को। इसी तरह फ्लो वर्क करता है कि फ्लो होता है कि जी जितनी मिकदार आपके ब्रश से आपके पेंट की बाहर आ रही है या उसको ब्रश के पेंट को वो कंट्रोल करता है, उसे हम फ्लो कहते हैं। सी दिस, ये देखिए, लाइक दिस, ठीक है। सो गाइस, ये था इरेजर टूल। इरेजर टूल के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टूल आता है जी। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और आपके पास यहाँ पे आता है जी बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल किस तरह से वर्क करता है, बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत से और बहुत से तरीके हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इस टूल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पर जो मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होंगे, हम जो भी सैंपल लेंगे वो इस सैंपल के थ्रू हमारे पास आएगा, यानी कि जो प्लस का साइन है उससे हम जो सैंपल लेंगे वो हमें रेज करके देगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक उसने दिया हुआ है जी कंटिन्यूस सैम्पलिंग, कि जो जहाँ जहाँ हम अपने ब्रश को जो है वो मूव करते जाएंगे, ये वहाँ वहाँ से कंटिन्यूसली सैंपल पिक करता जाएगा और उस बैकग्राउंड को रिमूव करता जाएगा या उस एरिया को रिमूव करता जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी सिंगल सैंपल। सिंगल सैंपल क्या होता है कि जब हमने एक दफ़ा क्लिक कर लिया, एक दफ़ा सैंपल ले लिया, तो ये उसी सैंपल को रिमूव करेगा, चाहे आप ब्रश जिस मर्जी कलर के ऊपर या जिस मर्जी एरिया के ऊपर ले जाएँ। उसके बाद हमारे पास आता है सैंपल बैकग्राउंड स्विच, यानी कि बैकग्राउंड स्विच पे आपके पास कोई बैकग्राउंड इमेज मौजूद है, उसके ऊपर से आप कोई सैंपल लेके उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये तब यूज़ होता है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं सिंगल सैंपल टूल, ठीक है। और सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने क्या किया था। कंट्रोल जे, कॉपी आ गई हमारे पास, ठीक है। कॉपी को हम फिलहाल बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक और लेयर बनाते हैं, ठीक है। उसका हम कलर कोई सा भी आप फिल कर दें उसके ऊपर कलर, यहाँ से लाइक दिस। और कलर फिल करने के बाद इसको हम बैकग्राउंड पर रख देंगे ताकि हमें पता चलता जाए कि हमारा बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव हो रहा है। अब अपनी इस लेयर को सिलेक्ट कर लें और बैकग्राउंड रिमूव करके देखते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ से इसका सैंपल ले लेता हूँ कि ये जो वाइट कलर है ना स्काई का, सिर्फ ये ही रिमूव हो, ठीक है। ये मैंने सैंपल ले लिया और ये देखिए क्लिक करते ही कैसे उसने रिमूव करना शुरू कर दिया, लाइक दिस। ये सिर्फ उसी एरिया को रिमूव कर रहा है जहां पे वाइट मौजूद था, ठीक है, लाइक दिस।
जहां जहां वाइट मौजूद था इसने उस एरिया को रिमूव कर दिया। लाइक दिस, ठीक है। अब बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है, हम इसको ऑफ करके देखते हैं, जो हमारे कलर लेयर थी उसको ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हमारे पास आ रहा है। और अगर हम इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो हम इसको कोई बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक स्काई की इमेज ओपन है, यहाँ मेरे पास एक स्काई की इमेज मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि जी बैकग्राउंड किस तरह का हमारा यहाँ पर लुक देता है। जी ये मैंने ड्रैग कर ली एक इमेज स्काई की, और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब इस इमेज को हमने रखना है बैकग्राउंड पे, क्योंकि हमारा जो फोरग्राउंड लेयर है उसको हमने रिमूव किया, उसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, ये हमारा बैकग्राउंड है, तो इसलिए हम इसको बैक पे रखेंगे, यानी कि इस लेयर के नीचे रखेंगे, लाइक दिस। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी सी लुक आ रही है, ठीक है। हम इसको बिफोर एंड आफ्टर करके देखते हैं। ये हमारे पास बिफोर है और ये हमारे पास आफ्टर है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सा काम होने वाला है, जैसे कि आप ये देखें यहाँ पे कुछ ये वाइट आ रहा है लेकिन ये स्काई के साथ मैच हो रहा है, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी जो लेयर है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम इसका सैम्पल ले लेंगे वाइट का, जो हमने सिर्फ वाइट रिमूव करना है, लाइक दिस। ये देखें अब ये रिमूव कर रहा है और जो एक्चुअल स्काई है पीछे से वो हमें नजर आ रहा है, लाइक दिस लाइक दिस। ये देखिए जी, और ये कितनी अच्छी तरह से इसने हमारा जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया है। ऑल दो इस सिनेरियो में जब हमने बैकग्राउंड रिमूव करना होता है तो हम और डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, हम लेयर मास्क यूज़ करते हैं या क्विक सिलेक्शन टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। रेजर टूल इसलिए डिस्ट्रक्टिव होता है कि जी अगर मैं इस इमेज को बंद कर देता हूँ अभी तो मैं अपनी इमेज को रिकवर नहीं कर पाऊँगा, और बेशक मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करके इसको रिकवर कर सकता हूँ, बेशक मैं अभी कंट्रोल जी करके इसको रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने बंद कर दी है ये इमेज तो एडिट करने के बाद तब मैं इसको रिकवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये मुझे इसी कंडीशन में मैं मिलेगी, और जिसकी वजह से मेरा हो सकता है कि इमेज का लॉस हो जाए, और इसीलिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, मास्किंग यूज़ करते हैं। मास्किंग इंशाल्लाह मैं आपको 2 या 3 लेक्चर्स के बाद पढ़ाऊंगा, और हम देखेंगे कि मास्किंग के ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मास्किंग में, बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इरेज़र टूल के बारे में। ये देखें जी, एक काफ़ी अच्छी सी लुक हमारे पास आ रही है, हम अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें लाइक दिस, ये थोड़ा सा इसके साथ मैच होता है, ठीक है, लाइक दिस, परफेक्ट। देखें जी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सिर्फ एक टूल के ज़रिए हमने एक जो एक नॉर्मल सी इमेज थी उसको हमने इतना खूबसूरत सा बना लिया। तो अगर हम इसमें और कलर शेडिंग देंगे, इसके कलर्स वगैरह एडजस्ट करेंगे तो ये और भी बहुत प्यारी लगेगी। कलर एडजस्टमेंट मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। अब हम पढ़ेंगे कि मैजिक इरेजर टूल क्या करता है। जिस तरह के हमने सिलेक्शन में हमने पढ़ा था जी मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल, सेम इसी तरह से हमारा जो है वो मैजिक इरेजर टूल वर्क करता है। यहाँ मेरे पास एक और इमेज ओपन है, हम आते हैं दोबारा से इरेजर बार में और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मैजिक इरेजर टूल। अब मैजिक इरेजर टूल ने क्या करना है, मैजिक इरेजर टूल करता है कि जी जिस तरह हमारा जो है वो मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल कर रहा था कि एक सैंपल पिक कर लेता है उस कलर को, उस एरिया का एक सैंपल ले लेता है, और बाद में उसी को जितने कलर उस पिक्चर में उससे रिलेटेड मौजूद होते हैं उन सबको वो रिमूव कर देता है। अब यहाँ मेरे पास एक इमेज है, इसकी सबसे पहले हम एक कॉपी बनाते हैं कंट्रोल प्लस जे, और यहाँ से अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें जी, इसने कितने अच्छी तरह से और कितनी खूबसूरत तरीके से हमें वन क्लिक में इसने हमें रिजल्ट दे दिया, हमें इसने हमारा जो एरिया है वो रिमूव करके दे दिया है जी, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम स्काई अप्लाई करके देखते हैं, हम इसी इमेज में से हम अपने स्काई को उठा लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं हम, लाइक दिस, ताकि ये इससे मैच हो जाए। और इस इमेज को हम रखेंगे बैकग्राउंड पे लाइक दिस, ये देखें जी। और इसका थोड़ा सा हम कलर भी बैलेंस कर लेते हैं। कलर बैलेंस का मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, इन डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि कलर बैलेंस हम किस तरह करते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक दिस, थोड़ा सा ब्लू कम कर लेते हैं,
ओके, अब देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। हेयर इज द बिफोर, हेयर इज द आफ्टर। सो गाइस, कितनी खूबसूरत तरीके से और कितनी आसानी से सिर्फ एक टूल की मदद से हमने अपने बैकग्राउंड को चेंज किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से चेंज किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें यार, शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बिना झिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज़।